मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय कार राइड। हाँ जी, मैं कार राइड पे हूँ और एक छोटी सी कार राइड है, शॉर्ट एंड सी। और मैं अच्छे बच्चे की तरह, और मैं कहीं नहीं जाता, सिर्फ स्कूल जाता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ फिर? अच्छा, क्या कहते हो, विद्या पढ़ाई की कसम खा लेता हूँ। मैं सिर्फ स्कूल ही जाता हूँ और मैं कहीं नहीं जाता हूँ। वैसे वो भी क्या वक्त था ना स्कूल लाइफ की, जितने भी मर्जी लाइफ के झमेले हों, कोई भी लफड़े हों, सिर्फ एक ही बात से निपट जाते थे, विद्या पढ़ाई की कसम खा ले, है ना। तो आजकल वो चीज़ें नहीं है। आजकल तो आप चारों तरफ देखोगे तो मोह माया ही नज़र आती है। कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट कैसे करे, सब कुछ ना कुछ, मतलब किसी ना किसी के पीछे छिपा होता है। बड़ा रेयर केस होगा कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, है ना। कोई ना कोई ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने में लगा ही रहता है ना। तो पहचानना मुश्किल है आजकल लोगों को। पहले क्या होता था, बच्चों में क्या होता था, हाँ भाई ये तूने किया, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, खा भी दे पड़ा की कसम से, तो वहीं पे मैटर रिजॉल्व, है ना। तो अभी ये टाइम है, चेंज हो चुका हुआ है, लाइफ के फेजेस होते हैं। और ये इकलौता फेज है बचपन का जो हर इंसान चाहता है कि हाँ वो दिन वापस आ जाए, पर वो जो बीत गया सो बीत गया, वो वापस कुछ नहीं आता। तभी मैं कहता हूँ हर मोमेंट लाइफ का एंजॉय करो। हर मोमेंट का अपना अपना मज़ा भी है, ओके, बट बचपन का अलग ही है। अब जैसे मैं अभी अर्ली 40s में हूँ, तो ये भी एक टाइम है कि आपने जो अभी तक नहीं किया, सो दिस इज़ द टाइम, है ना। हमेशा ये होता है, बट दिस इज़ द टाइम, क्योंकि आगे चल के आपकी बॉडी भी जवाब देना शुरू कर देगी, है ना। काफ़ी सारे चैलेंजेस और बढ़ेंगे, लेवल अप होता जाएगा। तो लाइफ एक, पता है क्या, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसको कुछ काटते हैं ना, तो ये बचपन वो वाला टाइम होता है। उसके बाद फिर शुरू होती है आपकी रगड़न पट्टी, कि जब आप, पर उसमें भी कंडीशंस है, उसमें आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियाँ। तो अगर तो कोई इंसान इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो गया, उसने एडमिशन ले ली, वो तो तर गया फिर तो, है ना। फिर वो जकड़ा ही जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर भागा नहीं जा सकता। पर कुछ होते हैं जो इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल लेके साइड से निकल जाते हैं, तो उनकी लाइफ सेट है, उनको कोई परवाह नहीं है कि अगल बगल में क्या हो रहा है, हम अपना देखें। तो ऐसी है लाइफ। तो ज्ञान भरी बातें करते करते मैं स्कूल पहुंच गया हूं। अब स्कूल की पार्किंग में हूं, तो टेम्परेचर आज भी उतना ही है। आज तो भाई साहब थोड़ा सा भी जा रहा है, कल 38 था ना, परसों 38 था, तो आज है 42 के करीब। तो 42 डिग्री टेम्परेचर है और टाइम अभी 12:15 हुए हैं। अभी 15 मिनट मेरे को इसी गाड़ी में बैठना, भाई ठोक ना देना यार। तो यहाँ पे जो स्कूल में जो लेडीज़ आती हैं ना, तो सारी लेडीज़ को नहीं बोल रहा, कुछ लेडीज़ की जो ड्राइविंग स्किल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा, उनको तो सीधा वो भेज दो वहाँ पर फॉर्मूला कार रेस में, है ना। तो कहीं कुछ भी कर देते हैं, कहीं पर भी गाड़ी लगा रहे हैं, कहीं पर भी गाड़ी, और जहाँ भी लगाती है हमेशा टेढ़ी होती है, कि जिसमें कम से कम 2 या 3 लोगों को परेशानी जरूर हो जाती है। तो ऐसे चलता है, पर क्या करें, अब मे भी वो घर पे ज़्यादा बिजी हैं, जब आती हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो लेट निकलती होंगी। मेरे जैसे सारे थोड़ा होते हैं कि घर पर काम करो और अलार्म लगाओ, 2-3 अलार्म लगाओ स्कूल जाने से पहले, कि लेट ना हो जाओ, और जितना मर्जी काम चल रहा हो सब छोड़ छाड़ के स्कूल में आता है। ऐसा कोई कोई कर पाता है ना, हर कोई नहीं कर पाता। और जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था ना, ये देखो वहाँ पे सारे पेरेंट्स खड़े और मैं खड़ा होता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे छाव है। तो यहाँ पे अच्छी खासी शेडो मिल जाती है, तो मैं फिर यहीं पर खड़े होता हूँ और बाकी सारे पेरेंट्स आप देख रहे हो वहाँ पर खड़े होते हैं। तो घर पर वापस आ गया हूँ, और मेरा ये अमृत का ग्लास यार, ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। अगर आप नहीं, अभी अगर आपने ट्राई किया तो इसको ट्राई ज़रूर करो। छाछ है, कर्ड से बनती है, पर काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। तो आज पता क्या हुआ, मैं अपने नेबर से ना बात कर रहा था पार्किंग को लेके, तो अभी क्या हुआ, वो सामने आप देख सकते हो कि पूरा लेन फुल हो चुका हुआ है ना। और अभी जिसका घर बन रहा है उनकी भी तो गाड़ियाँ आएंगी ना, तो वो प्लॉट पूरा का पूरा, जहाँ पे आपको 3 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये 3 गाड़ियाँ ना, ये सारे का सारा प्लॉट एक ही बंदे का है। तो नेचुरली उसके प्लॉट के आगे वो अपनी गाड़ियाँ लगाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, देखो क्या होता है। अभी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद अपना जो मेन गेट है वो किस तरफ रखता है, अभी हमें वो नहीं पता। तो आज मैं और मेरा जो फ्रेंड है
नेबर ही है मेरा, तो हम उसका नक्शा देखने की कोशिश कर रहे थे, तो पता लगा कि गेट उसका इधर नहीं है, सेंटर में नहीं है, थोड़ा दूर आता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी ये सामने वाले की तो आज मेरे को लगता है कहीं गए हुए हैं, अदरवाइज़ ये भी फुल हो जाता है। तो पार्क अब देखो स्पेस कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, ये वाला छोड़ अभी फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी गाड़ियाँ, यहाँ पर भी गाड़ियाँ अच्छी खासी, तो देखते हैं जी क्या होने वाला है। बट मेरे को लग रहा है, और ऊपर से ना एक्चुअली वो प्लॉट में क्या है, वहाँ पे ये जो खाली प्लॉट है ना, इसके ऊपर एक हाई टेंशन वायर्स भी जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि ये प्लॉट लिया क्यों लिया इसने। तो हमें अपने बेनिफिट लग रहे थे, बट थोड़ा सा ये भी देख रहे थे कि उसने ये जो प्लॉट लिया है क्यों ले लिया, क्योंकि उसके अभी अभी आपको रात को तो नज़र नहीं आ रही होंगी, तो ऊपर ना हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। तो उसको उसका जो एक प्लॉट का जो कॉर्नर है टुवर्ड्स द रोड साइड, उसके ऊपर से जा रही हैं, तो उसको काफ़ी जगह वहाँ पे खाली छोड़नी पड़ेगी। और आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और इतनी कंजस्टेड आपको स्ट्रीट मिलेगी, तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का। पर पता नहीं यार, उसने लिया है क्योंकि उसका उसका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ये सामने वाले घर में रहता है। तो मैं यही बोल रहा था, शायद दोस्ती जारी चक्कर में हो गया। अब पता नहीं, अगर ये भी लोग उसने देख लिया ना तो मेरे को बोलेगा। पर कोई नहीं, इतने भी लोग बन चुके हैं, शायद कोई नहीं देख रहा है इनमें से। तो ऐसे हो रहा है, बस बाहर आया था, थोड़ा काम मैंने आज काफ़ी निपटा लिया है। अभी जो मैंने परसों जो काम शुरू किया था उसमें सिर्फ 10% का ही बचा है, जो कंपोजिशन के बारे में बोल रहा था। मैं वही टर्म बार बार यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं से एग्जैक्ट वही टर्म होनी चाहिए कि नहीं, बट मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो अभी 10% का बचा है, वो आज नहीं करूँगा, अभी कल करूँगा, क्योंकि उसमें चेंजेस करने से ना थोड़ा सा डर रहा हूँ, वो जो 10% वाला है जो चीज़ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, देखता हूँ कि किस तरफ चलती है मार्केट, फिर उस हिसाब से वो 10% में चेंजेस करूँगा, अदरवाइज़ उसको रहने ही देता हूँ। पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो आज का दिन मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और ये वाइट बोर्ड मैंने पूरा साफ कर लिया था, तो अभी देखते हैं कि इस पे क्या आता है। अभी तो मैंने जो अपने नोट्स हैं ना, वो सारे वो डायरी पे बना रहा हूँ, वो भी फिल हो चुकी हुई है, तो शायद 4-5 पेजेस ही बचे हैं, तो जल्दी मैं उसको भी ले आऊँगा। क्योंकि मेरे को ना लिखने की बड़ी आदत है, मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लिखने वाले टॉपिक को किसी और व्लॉग में मैं कवर करूँगा। तो यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। बाय।